हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल माय स्पिनिंग फ्रेंड्स टू माय चैनल स्पिनिंग वर्ल्ड। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन कैलकुलेशन ऑफ कॉम्बर्स। मेरा सभी स्पिनिंग फ्रेंड्स को मैं मेरा चैनल स्पिनिंग वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं एक कॉम्बर में 24 घंटे में कितना प्रोडक्शन आएगा उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कॉम्बर में फीड मटेरियल और डिलीवरी मटेरियल के बारे में हम जानकारी लेंगे। फीड मटेरियल कॉम्बर लैप फॉर्म में होते हैं और डिलीवरी स्लाइवर फॉर्म में होते हैं। कॉम्बर में फीड व लैप को कॉम्बिंग होने के बाद वो ड्राफ्टिंग देके उसके बाद वो स्लाइवर रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये फीड किया हुआ मटेरियल कॉम्बिंग करने के लिए एक निप्पर और उसके अंदर लगा हुआ एक टॉक कॉम्ब भी है। इस कॉम्ब निप्पर के साथ आगे पीछे फ्रंट बैक जाने से कॉम्बिंग होता है। एक बार और पीछे से आगे आगे से पीछे जाने के लिए एक निपिंग माना जाता है। ऐसा कितना निपिंग एक मिनट में होता है उसका हिसाब से कॉम्बर का स्पीड माना जाता है। तो लैप का वेट और निपर का स्पीड और निपिंग के टाइम पे एक निप में कितना लंबाई मटेरियल आगे फीड होता है वो हमको जानना जरूरी है। तो अभी ये सब अपना प्रोसेस पैरामीटर में हम देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स कॉम्बर का प्रोडक्शन कैलकुलेशन करने के लिए हमको रिक्वायर है। सबसे पहले कॉम्बर का लैप, उसका वेट पर मीटर, उसका वजन कितना है एक मीटर पे, ये सबसे पहले पैरामीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी कैलकुलेशन के लिए एक एक पैरामीटर को एक एस्यूम्ड एग्ज़ाम्पल के फिगर देता हूँ। लैप वेट ग्राम पर मीटर 70 ग्राम अभी फ़िलहाल मैंने लिया है। अने एक मीटर में 70 ग्राम लैप का वजन है। ऐसे डिलीवरी, अभी निप्पर के साथ मटेरियल आगे फीड होता है। एक बार निप्पर फ्रंट टू बैक जाने से फीड और मटेरियल फीड होता है, उसको फीड पर निप बोलता है। वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपना रिक्वायरमेंट का क्वालिटी के हिसाब से। तो मैं एग्जांपल के लिए 4.7 मिलीमीटर फीड पर निप इधर एग्जांपल के लिए लिया है। थर्ड, कॉम्बर स्पीड, एक मिनट में इस निप पर कितना बार आगे पीछे जाता है यानी कॉम्बिंग करते हैं, कॉम्बिंग एक्शन होता है, वो कॉम्बर का स्पीड माना जाता है। वो स्पीड 450 निप्स पर मिनट मैंने अभी एग्जांपल के लिए लिया है। ये जो भी पैरामीटर्स है ये पूरा चेंजेबल है। नेक्स्ट पैरामीटर है नॉइल परसेंटेज, आने कॉम्बर में कॉम्बिंग एक्शन होने के टाइम में वेस्ट निकल जाते हैं। इस वेस्ट को हम नॉइल बोलते हैं। इस नॉइल बाद में जमा करके उसका बेल बना के कॉम्बर नॉइल वेस्ट के नाम से भेजा जाता है। वो कितना परसेंटेज नॉइल निकलता है वो हमको परसेंटेज में निकाल लेना जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हेड्स पर डिलीवरी, यानी कॉम्बर में 8 हेड का कॉम्बर भी है और 4 हेड का भी है, अलग अलग रहते हैं, मगर जनरली 8 हेड का कॉम्बर रहते हैं। 8 हेड में जो लैप लगाते हैं वो कॉम्बिंग होने के बाद एक साथ
स्लाइवर बन जाते हैं। तो अभी हम कैलकुलेशन करने के टाइम में सबसे पहले एक लैप यानी एक हेड का हिसाब से कैलकुलेट करके उसको 8 से मल्टीपल करके प्रोडक्शन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स पर कॉम्बर यह बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है एफिशिएंसी। कॉम्बर 450 निप्स पर मिनट में चलने के टाइम में वो कंटिन्यूस 8 घंटा 450 मिनट्स पर मिनट चला नहीं सकते हैं, क्योंकि स्लाइवर ब्रेकेज, लैप चेंजेस, स्लाइवर डॉफिंग और जो भी स्टॉपेज है उसको निकाल के बाकी टाइम का ही प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वो जो स्टॉपेज निकाल के जो एफिशिएंसी हम लेना पड़ेगा। अभी इसी पैरामीटर्स को सभी को लेके प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अभी पैरामीटर पूरा 6 पैरामीटर इधर हमने लिखा है ऑलरेडी, और सभी पैरामीटर को अलग अलग वैल्यू भी दिया है कैलकुलेशन के लिए। ये वैल्यूज़ पूरा चेंजेबल है एज पर आवर वर्किंग मशीन कंडीशन, मशीन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, नॉइज परसेंटेज, इसके हिसाब से ये सभी चेंज कर सकते हैं अलग अलग। अब प्रोडक्शन हमको अल्टीमेटली किलो पर मशीन निकालना है। तो अभी हम स्टार्टिंग से किलो के हिसाब से चेंज करते आएंगे। सबसे पहले अपना मशीन पे फीड होते हैं लैप। लैप का वजन ग्राम्स पर मीटर है, उसको किलो पर मीटर करना है। आने कि अभी ग्राम्स पर मीटर हम 70 ग्राम्स पर मीटर लिया है, उसको किलो पर मीटर करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करने का है। आने 70 ग्राम डिवाइड बाय 1000 किलो पर मीटर मिल जाते हैं। नेक्स्ट डिलीवरी फीड पर निप इन मिलीमीटर, आने जो लैप है फीड होते हैं कॉम्बर के अंदर और निप्पर के साथ में वो कॉम्बिंग एक्शन होते हैं। तो एक बार निप्पर आगे पीछे यानी एक कॉम्बिंग एक्शन होने के टाइम में कितना मिलीमीटर मटेरियल आगे गया उसको फीड पर निप इन मिलीमीटर बताते हैं। हम हमारा जो प्रोडक्शन कैलकुलेशन के लिए मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फीड पर निप डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो फीड पर निप हमने इधर 4.7 लिया है, उसको फीड पर निप इन मीटर्स करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना है। अभी प्रोडक्शन 1 मिनट में कितना मटेरियल, कितना किलो स्लाइवर कॉम्बर के अंदर फीड हुआ है ये मालूम होने के लिए ये तीनों पैरामीटर मल्टीपल करना है। यानी लैप वेट केजी पर मीटर, डिलीवरी फीड पर निप इन मीटर एंड नंबर ऑफ निप्स यानी निप्स पर मिनट, ये तीनों मल्टीपल करने के बाद हमको मिलेगा 1 मिनट में कितना मटेरियल मशीन के अंदर फीड हुआ है। ये कैलकुलेशन एक हेड के हिसाब से किया गया है, यानी 100% फेड इन कॉम्बर इन केजी पर मिनट पर हेड इक्वल टू लैप वेट इन केजीस इंटू फेड पर निप इन केजीस इंटू निप्स पर मिनट। तो अभी ये हम पहले तीनों पैरामीटर केजी में किया था, 70 डिवाइड बाय 1000 इंटू 4.7 डिवाइड बाय 1000, 4.7 इज निप्स पर फेड पर निप को इन मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड किया है इंटू निप्स पर मिनट यानी 450। तो इसका जो आंसर 70 × 4.7 × 450 / 1000 / 1000 अगेन
हमको उसका आंसर आ गया है 0.14805 kg आंसर मिल गया है। अभी हमने एक कॉम्बर में 100% kg फेड कितना किया यही कैलकुलेट किया है, वो भी एक ही हेड में 1 मिनट में कितना मटेरियल फेड हुआ है, 100% है, एक्चुअल प्रोडक्शन आया नहीं है, वो कैसे करते हैं आगे देखें। इधर 100% फेड इन कॉम्बर इन केजी पर हेड पर मिनट, ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है लास्ट पेज में। अब 100% फेड इन कॉम्बर इन केजी पर 8 आवर्स पर मिनट करने के लिए उसको 8 से मल्टीपल करना है, और अगेन 100% फेड इन कॉम्बर इन केजी पर 8 आवर्स पर 60 मिनट यानी पर आवर करने के लिए जो आंसर मिला है उसको 60 से फिर मल्टीपल करना है। अगेन हमको 8 घंटा करने के लिए 100% फेड इन कॉम्बर इन केजी पर 8 हेड पर 60 मिनट 8 आवर्स में करने के लिए इसको अगेन 8 से मल्टीपल करना है। अभी तक हमने क्या किया, 100% कॉम्बर के अंदर मटेरियल कितना फीड हुआ है वही कैलकुलेट किया, वो क्या किया किलो में कन्वर्ट किया है, 8 हेड का किया है, 60 मिनट 8 आवर्स पूरा हो गया, आने उसका आंसर ये आया 70 ग्राम्स पर मीटर इंटू 4.7 mm निप्स फीड पर निप इंटू 450 निप्स पर मिनट इंटू 8 हेड इंटू 60 मिनट इंटू 8 आवर्स डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 दो बार 1000, इसलिए एक बार 70 ग्राम्स पर मीटर लैप वेट को किलो पर मीटर किया, और नेक्स्ट 1000 4.7 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ये हमने कैलकुलेट अभी तक जो किया है वो 100% है। अभी एक्चुअल किलो कन्वर्ट करने कैलकुलेट करने के लिए उसके साथ ऐड करना है नॉइल परसेंटेज एंड मशीन एफिशिएंसी। नॉइल परसेंटेज हम एग्जांपल के लिए लिया है 18%, वो परसेंटेज कैसे करेगा, 100 - 18 डिवाइडेड बाय 100 तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो इक्वल टू अब ये हमने 18 लिया है तो उसका आंसर आएगा 0.82। ऐसा ही एफिशिएंसी भी हमको साथ में उसको मल्टीपल करना है। एफिशिएंसी 80 लिया है तो 80 डिवाइडेड बाय 100 तो उसका आंसर आया 0.80। ये भी हमारा जो कैलकुलेशन अभी तक किया है उसके साथ मल्टीपल किया तो भी तो हमको एक्चुअल प्रोडक्शन मिलेगा। फाइनली हम एक्चुअल प्रोडक्शन इन केजी ऑफ 8 हेड्स पर 60 मिनट्स ऑफ 8 आवर्स ऑफ कॉम्बर फॉर्मूला में आ गया है। वो क्या है, ग्राम्स पर मीटर इंटू फीड पर निप इंटू निप्स पर मिनट इंटू 8 हेड इंटू 60 मिनट्स इंटू 8 आवर्स इंटू नॉइल परसेंटेज इंटू एफिशिएंसी। इधर नीचे दो बार 1000 डिवाइड किया है, एक बार 1000 जो है वो ग्राम्स पर मीटर किलो पर मीटर करने के लिए किया है, सेकंड 1000 इसलिए किया है फीड पर निप इन मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया है, बाद में नॉइल परसेंटेज के लिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 डिवाइड किया है और एफिशिएंसी के लिए भी 100 डिवाइड किया है। तो फाइनल फॉर्मूला हमको मिला है तो पैरामीटर डाल के हम लिखेंगे कैसे, 70 ग्राम पर मीटर इंटू 4.7 फीड पर निप इंटू 450 निप्स पर मिनट इंटू 8 नंबर ऑफ हेड्स इंटू
60 minutes into 8 hours into 18% oil means 100 minus 18 into 80 mission efficiency. By all ये सभी मिलके calculate किया तो आपको answer आएगा 372.94 किलो पर कॉम्बर पर 8 hours actual production. अभी ये 6 पैरामीटर का values मैंने जो दिया है ये changeable है, ये अपना हर एक जगह पे मिशन का प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन के हिसाब से जो पैरामीटर है वही पैरामीटर इसी फॉर्मूले में डाल दिया तो आंसर मिल जाएगा. तो जैसे हमको 372.94 किलो पर 8 आवर पर कॉम्बर आंसर मिला है, आपका जो भी पैरामीटर है इसी फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. अभी हम फाइनली प्रोडक्शन पर कॉम्बर पर डे ऑफ 24 आवर्स अने 24 घंटे का एक कॉम्बर में कितना किलो प्रोडक्शन निकलता है वो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे. जो लास्ट पेज में लिखा हुआ वही फॉर्मूला है, उसको 3 से मल्टीपल किया तो हमको फाइनल केजी पर कॉम्बर पर डे ऑफ 24 आवर्स का आंसर आ जाएगा. तो जैसे कि मैंने पीछे लिखा हुआ वही इधर लिखा है, उसको 3 से मल्टीपल करना है तो आंसर इधर आ जाएगा. हमको जो पैरामीटर के हिसाब से 1118.82 केजी पर कॉम्बर पर 24 आवर्स का आंसर मिला है. ऐसा ही आपको भी अपना प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, खाली ये पैरामीटर्स में जहाँ भी चेंजेस है वो चेंज करके कैलकुलेट किया तो प्रोडक्शन इसी निकल सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसे वीडियो मिलते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्तों को शेयर करें. धन्यवाद.